हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज आपके लिए लेकर आई हूँ दो पोस्ट मील डाइजेस्टिव ड्रिंक्स की रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल येट इफेक्टिव हर्बल ड्रिंक्स हैं वेट लॉस के लिए। आपने जब कोई हैवी मील खा ली है या फिर आपको कई बार लगता है कि डिसकम्फर्ट फील होता है वंस यू हैव फिनिश्ड योर मील, या फिर आपने गलत टाइम पे खाना खा लिया है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, यू हैव इश्यूज लाइक ब्लोटिंग एंड गैस, उस टाइम ये जो आपके ड्रिंक्स हैं वो गो टू ड्रिंक्स बनने वाले हैं। ना सिर्फ ये आपके स्टमक को कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे बल्कि खाने के बाद अगर आप इन जनरल भी इसे लेते हैं तो न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहली हमारी टी है जिंजर एंड क्लोव टी। एज आई सेड, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने यूज़ किए हैं बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे अपने इंडियन किचन में। तो इसके इंग्रेडिएंट्स पर नज़र डालें तो एक छोटा टुकड़ा मैंने जिंजर का लिया है, एक क्लोव ली है मैंने जिसे लौंग भी कहते हैं, एक कप पानी, जैगरी थोड़ा सा हमें लेना है और कुछ ड्रॉप्स हमें नींबू के रस की चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्रश कर लिया है अदरक को और लौंग को। उसके बाद पैन में पानी ऐड करके उसे हीट करने के लिए रख दिया है। जब ये थोड़ा थोड़ा बॉईल होने लगेगा तब मैंने इसके अंदर क्रश जिंजर एंड क्लोव ऐड कर दिया है। इसे हम सिमर करेंगे यानी पकाएंगे सिर्फ 45 सेकंड से 1 मिनट के लिए। हमें इसे काढ़ना नहीं है, हमें इसे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना है, इसे हमें माइल्ड रखना है। और अब हम इसको बंद कर देंगे। हीट को बंद करने के बाद पैन को कवर कर देना है और पैन को छोड़ देना है 3 से 4 मिनट के लिए। जो बाकी जूसेस हैं जिंजर के इस बीच निकल आएंगे और थोड़ा टेम्परेचर भी कम हो जाएगा आपकी टी का, ताकि आप इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर सकें। तो अब हम इसके अंदर अपनी जागरी भी ऐड कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और चाय को छान लेंगे। हमारी जो दूसरी चाय है वो है अजवाइन और ब्लैक सॉल्ट टी। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए, आपके इंटेस्टाइन से जो वेस्टेज होता है उसे मूव करने के लिए, खाने के डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, अगर ज़्यादा गैस बन रही है उसे रिलीज़ करने के लिए, ब्लोटिंग को कम करने के लिए। कई बार क्या होता है कि ब्लोटिंग की वजह से या फिर खाने के बाद डिसकम्फर्ट की वजह से कई लोगों को सर दर्द भी होता है, ऐसे में अजवाइन एक बहुत ही अच्छा उसका घरेलू इलाज है, रेमेडी है। तो इस टी के लिए 1/4 टीस्पून हम अजवाइन के सीड्स ले रहे हैं जिसे कैरम सीड्स भी कहते हैं, पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट, इसे सेंधा नमक भी कहते हैं, अगर आपके पास सेंधा नमक है, काला नमक है तो आप पिंच भर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, एक कप पानी है, थोड़ा सा जैगरी और अगेन नींबू का रस। तो सबसे पहले हम अजवाइन को हाथों के बीच में इस तरह क्रश करेंगे, रब करेंगे, इससे जो इसके वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, इसके फ्लेवर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। आपने देखा होगा मम्मियाँ जब पराठे में अजवाइन ऐड करती हैं तब भी इस तरह उसको रब करती हैं। अब अगेन एक पैन में हम पानी ऐड करेंगे और उसे गर्म करने के लिए गैस पर रख देंगे। जब हमारा पानी थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगेगा तब हम उसके अंदर अजवाइन के सीड्स ऐड कर देंगे और अब हम इसे सिमर होने देंगे यानी पकने देंगे सिर्फ 45 सेकंड से 1 मिनट के लिए, और ये आपको धीमी आंच पे करना है। अगर आप तेज़ आंच पर पकाएंगे तो पानी जो है वो रिड्यूस होने लग जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। गैस को बंद कर देंगे और फिर पैन को कवर करके छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अगेन इस बीच सारे जो फ्लेवर्स हैं अजवाइन की वो अच्छी तरह इन्फ्यूज़ हो जाएंगे पानी के अंदर। अब 3 से 4 मिनट के बाद हम बाकी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मैंने काला नमक और जागरी इसके अंदर ऐड कर दिया है, इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। और फिर चाय को छान लेंगे और एंड में दोनों टीज में मैं ऐड कर रही हूँ नींबू का रस। बहुत कम हमें ऐड करना है, कुछ ड्रॉप्स ही काफ़ी हैं।
इस चाय को आपको सिप सिप करके पीना है जब ये स्टिल वार्म हो। इसे ठंडा नहीं पीना है और बहुत गर्म भी नहीं पीना है। ल्यूक वार्म जो होता है टेम्परेचर, उस पर आपको इसे कंज्यूम करना है और खाने से 30 से 40 मिनट के बाद आप इसे ले सकते हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद भी ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो जब आप ये चाय डिनर में लेंगे तो उसमें थोड़ा सा 1/4 आप प्योर वर्जिन कोकोनट ऑयल अगर ऐड कर देंगे या फिर देसी घी, तो अगेन आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट उससे स्मूथ हो जाएगी, आपका इंटेस्टाइन लुब्रिकेट हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन से भी आपको रिलीफ मिलेगा। स्पेशली अजवाइन की टी के साथ आप ये करके देखिए। अगर इन चाय के बेनिफिट्स की बात करूँ तो आपके स्टमक को काम करने के लिए मील के बाद, आपकी डाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए, न्यूट्रिशनल अब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करने के लिए और फैट को मेटाबोलाइज करने के लिए ये चाय हेल्प करेगी। इसके अलावा एसिडिटी और ब्लोटिंग से फाइट करेगी, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी काफ़ी अच्छी है ये, आपको हाइड्रेट रखेगी, इट इज़ वेरी गुड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, वेट लॉस को सपोर्ट करती है और साथ ही स्किन और आपके बालों के लिए भी ये चाय अच्छी है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, होम रेमेडी है, मैंने खुद ट्राई की है ये चाय। मैं ट्राई करती हूँ, मैं लेती हूँ व्हेन आई फील लिटिल डिस्कम्फर्ट, स्पेशली एज आई सेड कोई बड़ी मील लेने के बाद या रॉन्ग टाइम पर अगर आपने मील खाई है और इससे प्रॉब्लम हो गई है तो ये इंस्टेंट उसका इलाज है। सो डू शेयर योर फीडबैक एंड रेसिपी पिक्चर्स अगर आप इसे ट्राई करते हैं। आप कॉमेंट सेक्शन में भी अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड स्टे सेफ। आई विल बी बैक वेरी सून, अंटिल नेक्स्ट टाइम यू टेक केयर, बाय बाय।